हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टाइम है दिवाली के बाद वाला टाइम और आधे घंटे से मैं वेट कर रही हूँ कि हाँ बात कर सकूँ, क्योंकि मैं ना बहुत सोच रही थी ये कुछ दिन कि इतने पटाखे फूट रहे हैं और ये सब हो रहा है। और मैंने भी काफ़ी ग्रुप्स में डाला कि प्लीज़ अपने पटाखे माइंडफुली फोड़िए, हमारे घर में पेट है वो भी डरता है काफ़ी। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ ही जाते हैं, मैं काफ़ी सोच में पड़ गई थी एंड आई थॉट यार ये क्या चल रहा है, जो मैं कर रही हूँ वो कुछ फ़ायदा दे भी रहा है दुनिया को कि नहीं दे रहा है, या फिर सारे लोग इग्नोरेंस में ही जी रहे हैं। एंड आई वॉन्ट टू शेयर ऑल माई अनफिल्टर्ड थाट्स विद यू ऑल। और इनकी दो कंक्लूजन्स हैं जो आई थिंक वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएंगे। पहला तो यही कि एक तरफ वॉर हो रहा है ना, मिसाइल्स छूट रही हैं देशों पे और ओवर कंजम्पशन की हद पार हो चुकी है लाइफ में तो पोल्यूशन तो हर जगह हो ही रहा है, ह्यूमैनिटी हर जगह क्वेश्चन हो ही रही है, तो क्या हमारे छोटे मोटे एफर्ट्स फ़ायदा देते हैं? ये सोचा जाए तो दो तरह की थिंकिंग मेरे बहुत सामने मुझे दिखाई देती है। एक ऐसी जो सोचता है कि ठीक है यार, हमें एक बार जीना है तो हम आज का सोचें, आज हम एंजॉय करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कल क्या होगा, कल की जनरेशन का क्या होगा। या सिर्फ जनरेशन की बात नहीं है, मैं तो पता है आई डोंट इवन गिव अ डैम अबाउट नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि वो खुद ही इतने ओवर कंजम्पशन में डूबे हुए हैं कि वो खुद का फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। बट आई डू केयर अबाउट दिस प्लानट, आई डू केयर अबाउट यहाँ और भी लिविंग बींग्स रहते हैं, ये इतना सुंदर प्लैनेट है हमारा, इंडिया देश इतना सुंदर है, तो मैं उसके बारे में तो केयर करती हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि एक ये तरीका है जो लोग सोचते हैं कि ना क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं होता ग्लोबल वार्मिंग हो भी गया तो अभी थोड़ी अफेक्ट हो रहा है, ये तो 50 साल बाद अफेक्ट आएगा। लेकिन देखा जाए तो अफेक्ट तो आ रहा है, नवंबर हो गया है और आज भी गर्मी लग रही है। पेपर तू कूदना बंद कर, इधर आ जाओ, कम अप, सेट, कैमरा हिला दे रहा है। मुझे दो तरह की सोच वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं आजकल, एक क्या ही फ़र्क पड़ता है आज जियो योलो वाली सोच लेके, और दूसरी तरह के मुझे लोग दिख रहे हैं जो एकदम ही इग्नोरेंट। एक तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि उसे किसी ने बोला है कि ये क्या ही होता है ग्लोबल वार्मिंग, वहाँ पे मिसाइल्स छूट रही हैं तो कौन सी ओजोन लेयर फट गई, किस कुछ नहीं होता है, ऐसे ही हर बार लोग बोलते हैं ये साल ज़्यादा गर्म है वो साल ज़्यादा गर्म है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब इतने इग्नोरेंस में जी रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है वाह यार कैसे जी रहे हैं इतने इग्नोरेंस में। नवंबर हो गया है, सर्दी का नामो निशान नहीं है मैं देहरादून उत्तराखंड में हूँ यार, पहाड़ों में हूँ, यहाँ तो ठंड लगनी चाहिए, पर आज मुझे पसीने आ रहे थे, ठंड की तो कोई वो ही नहीं है। तो कैसे नहीं हो रही ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि हीट अप हो रहा है अपना अर्थ, हीट अप हो रहा है ना, इट्स नॉट एबल टू सस्टेन अ बैलेंस्ड टेम्परेचर। तो कैसे नहीं हो रही ग्लोबल वार्मिंग, कैसे लोग इतना इग्नोरेंस में जी रहे हैं वो तो मुझे समझ नहीं आता। तो मुझे ये लगता है कि मैं को ये वीडियो इसलिए बनाना चाहिए था कि मैं आप सबसे बात कर सकूँ कि देखो हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स कहीं ना कहीं तो मैटर करते हैं, चाहे किसी बिगर लेवल पे बहुत ख़राब चीज़ें हो रही हैं, आई अग्री एंड इट्स devastating, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, हम लोग कुछ contribute ही नहीं कर सकते दुनिया में, ऐसा तो नहीं है। और ये सोच मैं भी थोड़े टाइम के लिए सोचने लग गई थी दिवाली पे कि ना हाँ यार मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है मेरा जो भी मैं कर रही हूँ वो करने का, बट देन आई चेक्ड माई सेल्फ बैक कि नहीं यार, मुझे यहाँ यूट्यूब पे 60,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर 60,000 लोग एक प्लास्टिक भी रोज़ कम कर दें तो क्या वो इम्पैक्टफुल नहीं होगा? ज़रूर होगा। तो मुझे लगता है कि ना आप ये सोच थोड़ी पीछे छोड़ के कि कुछ नहीं होने वाला आज का सोचो अपना जियो, ये सोच तो सही नहीं है और चलो अगर आपका आपको ऐसा लगता भी है कि आप अपना इम्पैक्ट क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो इतना ही सोच लो कि यार मुझे कचरा नहीं पसंद है दुनिया में देखना, मुझे पोल्यूशन नहीं पसंद है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई बींग पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और एम आई बींग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन? तो आई विल ऑलवेज से दैट आई एम बींग पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो उतना आप अपने तरफ से ट्राई करते रहिए अपनी लाइफ स्टाइल बेटर करने का, अपने उसूलों पर चलने का, क्योंकि अगर हम सब ऐसे जीने लग गए कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम आज क्या कर रहे हैं उससे कल को, तो दुनिया ख़राब ही हो जाएगी, क्योंकि एक दिन तो सबको ही मरना है। तो आप ऐसे ही सोच लो कि हम आज भी क्यों जी रहे हैं,
ऐसे थोड़ी चलता है, जी रहे हो ना आप सब लोग। तो वैसे ही हमारा अर्थ भी है, उसकी भी डेथ हो सकती है, लेकिन हम लोग उसको स्लो डाउन कर सकते हैं किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में चेंजेस लाके। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आई विल ट्राई टू बी अ वीगन गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब ये ट्राइंग वाली जर्नी है, तो प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, आई कांट बी 100% इनटू इट फ्रॉम द स्टार्ट। मैं अपना कंजम्पशन कम करती रहूँगी और उस कम करते करते वो ज़ीरो तक ज़रूर जाएगा। अब ये कैसे दिमाग में आया मेरे और कैसे मेरा ये हृदय परिवर्तन हुआ, ये मैं आपको बोलती हूँ। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी में आप 4-5 सालों से हो, तो आपने क्यों नहीं वीगनिज़म अभी तक ऑप्ट किया। बात ऐसी है कि मैंने ट्राई किया है, लेकिन मुझसे हुआ नहीं पहले, क्योंकि पहली बात मुझे प्रॉब्लम थी प्लास्टिक से, और काफ़ी वीगन प्रोडक्ट्स प्लास्टिक में आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे ना प्लास्टिक कम करना, मुझे कचरा कम करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो एक वो सोच थी मेरी, तो वहाँ पे मैं मार खा जाती थी। एक ये सोच थी कि चलो मैं प्रोटीन चाहिए होता है आपको ना, है ना, और आप एनिमल प्रोडक्ट से ही प्रोटीन लेते हैं आजकल, मतलब हमारी तो पूरी ज़िंदगी हमने खाया है नॉनवेज, तो अब वो एनिमल प्रोडक्ट से ही प्रोटीन जो आ रहा है उसको स्विच करना दूसरे प्रोडक्ट्स में जो उतनी ही क्वालिटी में हो, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एंड आई कुड नॉट टेक प्रोटीन शेक्स, क्योंकि एक तो वो प्लास्टिक में आ रहे थे, दूसरे इट वाज नॉट सिटिंग वेल विद मी। मैं बहुत ही अनईजी फील करती हूँ आफ्टर टेकिंग एनी प्रोटीन शेक, तो वो मेरे लिए चैलेंज हो रहा था, तो इसलिए वो मैंने छोड़ दिया था, एक तरह से मैंने गिव अप कर दिया था, ठीक है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जो मैं हर चीज़ सबको बोलती रहती हूँ ना, कि परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, ट्राई टू बी एज सस्टेनेबल एज यू कैन, ट्राई टू रिड्यूस एज मच प्लास्टिक एज यू कैन, यू डोंट हैव टू गो 100% जीरो प्लास्टिक। तो वो मैं अपने लिए भी फॉलो करूँगी, और कहीं ना कहीं मुझे अगर वीगन प्रोडक्ट्स के लिए प्लास्टिक थोड़ा बहुत लेना पड़ जाए, तो मैं उसे रिसाइकिलिंग में डालूँगी, बिना अपने आप को कोसे कि क्यों ले लिया यार, है ना। तो आई विल ट्राई My best to be a vegan now, क्योंकि मुझे हमेशा से ही लगता था, ये मेरे दिमाग के पीछे हमेशा से ही बात रहती थी कि यार अगर we were meant to have दूध तो फिर हमारी माँ ही दूध देती है आगे चल के हमेशा, लेकिन why would we drink somebody, some other living beings milk? It never made sense to me. और बचपन से मुझे दूध पसंद भी नहीं है, तो मेरे लिए दूध अवॉइड करना तो बहुत ईजी है। हाँ, बटर घी ये सब घर में बहुत चलता है, तो वो मैं थोड़ा कट डाउन ऑब्वियसली हो जाएगा, चीज़ कट डाउन हो जाएगा मेरे डाइट में से। और एक चीज़ जो मैं वीगनिज़म जो लोग फॉलो करते हैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि ना प्लीज़ ट्राई टू प्रीच बैलेंस फर्स्ट, क्योंकि वो ज़्यादा मोटिवेट करता है मेरे जैसे लोगों को जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको चेंज होने में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम लगता है ये सब में। व्हेन यू बी टू हार्ड ऑन पीपल कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू ईट दिस, हाउ कैन यू, डोंट यू हैव एम्पैथी, डोंट यू हैव दिस, तो ना लोग नहीं कर पाते, फिर उन्हें लगता है यार मुझसे नहीं होगा ये, मैं इसके जैसा नहीं बनना चाहता, मैं लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहता, ऐसे नीचा नहीं दिखाना चाहता, तो वो नीचा दिखाना लगता है इंस्टेड ऑफ प्रीचिंग थिंग्स फॉर समथिंग दैट इज़ गुड, राइट, द कॉज इज़ रियली गुड। क्योंकि हम लोग क्रुएल्टी के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ये सब बिजनेस बन चुका है ना, मिल्क, गाय का दूध, ये सब बहुत बिजनेस बन चुका है, इसलिए क्रुएल्टी बढ़ गई है, और वो हम कम करना चाहते हैं, है ना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप प्रीच करोगे बैलेंस, जब आप कहोगे कि धीरे धीरे कम करो आप, है ना, धीरे धीरे आप अपने एक चाय कम कर दो दिन की, आप फिर चीज़ कम कर दो आपके प्रोडक्ट्स में से, ऐसे थोड़ा थोड़ा करोगे तो इजी हो जाएगा लोगों के लिए भी कट डाउन करना, और वो भी इम्पैक्ट लाएगा। जहाँ पे लोग 100% एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे, अगर वो 80% पे भी आ गए तो 20% आपका इम्पैक्ट नहीं लाएगा, ज़रूर लाएगा। तो ये सोच के साथ वीगन्स को थोड़ा बढ़ना चाहिए इज़ वॉट आई फील। मैं बताती हूँ कि मैं कैसे मोटिवेट हुई वीगनिज़म के लिए और थोड़ा ज़्यादा, मेरा एक दोस्त है, शाउट आउट टू यू अमोग, ही इज़ अ वीगन एंड ही हैज़ बिन विद अस इन कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ईटिंग डिनर विद अस, और वो हमेशा वीगन चीज़ें ऑर्डर करता है, वो मेक श्योर करता है कि वो रेस्टोरेंट में बोले कि इसमें बटर मत डालना, घी मत डालना, कभी भी हमें उसने ऐसे नहीं बोला कि आप ये क्यों खा रहे हो, आप क्यों नॉनवेज खा रहे हो, आप क्यों नहीं खाते थोड़ा वीगन स्टफ़, जबकि मैंने उसे कई बार बोल दिया कि यू हैव टू कट डाउन ऑन प्लास्टिक, मैंने बोल दिया, लेकिन उसने मुझे आज तक कभी नहीं बोला कि यू शुड बी अ वीगन। इन इट्स ओन वे इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि मैं थोड़ा और इंस्पायर हो गई कि हाँ यार आई शुड बी अ वीगन टू, मतलब वो उसको देखे कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट,
इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. हाँ, मतलब आप बचपन से जो चीज़ करते आ रहे हो उसको छोड़ना डिफ़िकल्ट है, लेकिन टू सस्टेन इट वंस यू गेट इनटू इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट. तो मैं यही कहती हूँ कि आप भी बैलेंस में चीज़ें करिए, प्लास्टिक थोड़ा कम करिए, एनिमल प्रोडक्ट्स थोड़े कम करिए, क्रैकर्स थोड़े कम करिए, है ना. आप हर चीज़ थोड़ा थोड़ा कम करिए. अपना पोल्यूशन अपने आप थोड़ा कम तो होगा, ग्लोबल वार्मिंग थोड़ी स्लो तो होगी. बस इतना ही था. तो मैं ये वीडियो इस नोट पे एंड करना चाहूँगी कि हैव अ पॉजिटिव आउटलुक फॉर एवरीथिंग. डोंट पिक नेगेटिव्स फ्रॉम अदर पीपल. आप अपना करते रहिए, आप अपना इंस्पायर करते रहिए, अपने प्रैक्टिसेस से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहिए. आई एम श्योर जैसे मैं अमोक से इंस्पायर हो गई वीगनिज्म के लिए, वैसे आपको देख के भी कोई ना कोई किसी चीज़ के लिए इंस्पायर होगा. होपफुली वो अच्छी चीज़ हो. ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.